नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनिल, मैं आपका स्वागत करता हूं हम सभी के अपने YouTube चैनल अरहंत रियल एस्टेट में। तो जैसे आपने लोकेशन देखा, काफी प्राइम लोकेशन है उल्वे के अंदर सेक्टर 19 में। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं 2 BHK फ्लैट जिसका प्राइस रहने वाला है 85 लाख। यहां पे आपको 85 लाख में काफी अच्छा प्रॉपर्टी मिलने वाला है। ये जो बिल्डिंग है G+14 का टावर है और फ्लैट भी काफी अच्छा है। बिल्डिंग के अंदर आपको काफी अच्छी एमिनिटीज भी मिल जाती है। यहाँ पे आपको गार्डन मिल जाता है, बच्चों के लिए स्विंग वगैरह, स्लाइडिंग वगैरह सब कुछ मिल जाता है। यहाँ पे जिम भी रहेगा फर्स्ट फ्लोर पे, सभी एमिनिटीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसकी जो लॉबी की बात करेंगे हम, जो एंट्रेंस लॉबी है वो भी काफी प्रीमियम लगती है। बिल्डिंग के अंदर जो पैसेज एरिया मिलता है अपने फ्लैट के सामने, उसे भी काफी अच्छा खासा स्पेस मिलता है। फ्लैट जो है मतलब वो भी काफी अच्छा है, उसके बालकनी वगैरह है, उससे भी काफी अच्छा खासा स्पेस मिलता है और बालकनी से काफी अच्छा व्यू दिखता है। और यहाँ पे आपको रोड फेसिंग फ्लैट मिलने वाला है। बिल्डिंग जो है वो हमारा कॉर्नर का बिल्डिंग है और जो प्राइस है 85 लाख, वो थोड़ा बहुत नेगोशिएट मैं करवा दूंगा। वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बिना देरी के पूरे फ्लैट को समझ लेते। वीडियो पूरा देखोगे तो आपको कंप्लीट प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी। यहाँ पे मैं सभी फ्लैट के मतलब जो एरियाज रहता है फ्लैट के अंदर, बेडरूम का एरिया, हॉल का एरिया, किचन का एरिया, बालकनी में हमें कितना स्पेस मिलता है, ये सब चीजें मैं आपको काउंट करके बता देता हूँ। तो आप वीडियो पूरा जरूर देखिए ताकि आपको ना पूरा ये प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगा घर बैठे, तो आपका डिसीजन भी कंफर्म हो जाएगा भाई जाना है या नहीं जाना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने हॉल से। हमें हॉल कैसा मिलता है और किस डायरेक्शन का रहेगा, तो मैं आपको पूरा ये हॉल समझा देता हूँ। ये जो डायरेक्शन है हमारे हॉल की, ये प्रॉपर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाला फ्लैट हमें मिलता है। यहाँ पे हमारे मॉर्निंग के सनलाइट आ जाएंगे अपने फ्लैट के अंदर, और अपने फ्लैट को जो हॉल को है अटैच आपको 2 फीट का सज्जा मिल जाता है। और फ्लैट का जो हॉल है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब ये बॉक्सी टाइप का हॉल मिलेगा आपको। अगर हम इसी लंबाई चौड़े की बात करेंगे तो ये लगभग आपको 1 BHK का जैसा हॉल लगेगा। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन हॉल साइज़ काफ़ी अच्छा है, सीलिंग भी काफ़ी अच्छी हाइट है सीलिंग की, और यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू मिलेगा क्योंकि ये जो बिल्डिंग जो है वो कॉर्नर का है और यहाँ से काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है। सामने जो रोड आने वाला है तो यहाँ से भी आपको रोड व्यू मिल जाएगा, और सामने सेक्टर 26 है, 19 है, तो ये काफ़ी अच्छा आपको ये लोकेलिटी मिल जाती है। यहाँ से बामन नगरी स्टेशन भी काफ़ी वॉकेबल डिस्टेंस पे है। यहाँ पे हमें जैसे हॉल देखा, चलिए चलते हैं आगे। तो हमें ये जो एरिया है पैसेज एरिया, इसे भी काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। और यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है, 2 BHK फ्लैट है, 85 लाख प्लस टैक्सेस में ये जो प्रॉपर्टी है अभी सेल प्राइस में रखी है। ऑन टेबल ये जो प्राइस है मैं निगोशिएट करवा दूंगा। फ्लैट जो है वो रिसेल का है, G+14 का टावर है और काफ़ी हाई राइज फ्लोर पे आपको यहाँ पे ये फ्लैट मिलता है। और एक बात, यहाँ पे जो पार्किंग की बात करेंगे तो यहाँ पे सबको कॉमन पार्किंग है,
बिल्डर ने किसी को भी पार्किंग सेल नहीं की है, तो यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट पार्क आपको यहाँ पे स्पेस भी अच्छा खासा मिल जाता है बिल्डिंग के अंदर, और अमेनिटीज भी काफ़ी अच्छे जैसे मैंने पहले आपको दिखा दी है। तो यहाँ पे जैसे हम आते हैं अंदर, तो यहाँ पे हमारा रहेगा सिंगल प्लेटफॉर्म का किचन। किचन के अंदर भी काफ़ी अच्छा खासा स्पेस आपको मिलता है सिंगल प्लेटफॉर्म में, और किचन के बाजू में जो टाइल्स वगैरह है वो भी काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन के साथ ये किचन का जो लुक है वो इन्वेंस कर देते हैं। यहाँ पे गैस पाइपलाइन भी आ चुकी है और सेक्शन 19 में ये गैस पाइपलाइन भी चालू है, और किचन के अंदर भी काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिलता है आपको फ्रिज वगैरह रखने के लिए, और किचन को अटैच आपको काफ़ी अच्छी बालकनी भी यहाँ पे मिल जाती है। अगर हम इस बालकनी की साइज़ की बात करेंगे तो वो भी काफ़ी बड़ी वाली बालकनी मिलती है, यहाँ पे आप अपना वॉशिंग मशीन भी रख सकते हो और बालकनी से भी काफ़ी प्यारा व्यू आपको यहाँ से दिख जाएगा। ये जो रोड कनेक्टिविटी है, सामने 15 मीटर का रोड है, सामने 30 मीटर का रोड वहाँ से आ जाएगा सेक्टर 26 से, और ये सीधा कनेक्ट होता है अपने बामन डोंगरी रेलवे स्टेशन को। तो चलिए चलते हैं अभी हमारे बेडरूम को समझ लेते हैं, और बेडरूम के अंदर जो साइज़ हमें मिलता है उसे हम एक्सप्लोर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी बेडरूम के अंदर चलते हैं। बेडरूम के अंदर जाने से पहले यहाँ पे हमें मिलता है हमारा कॉमन टॉयलेट बाथरूम, और इसे भी काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिलता है, और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा आपको जगह मिलता है जहाँ पे आप अपना वॉशिंग मशीन वगैरह रख सकते हो, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस आपको यहाँ पे यूटिलाइज करने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ से अगर हम बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे सामने हमारे दो बेडरूम्स रहते हैं, तो यहाँ पे हमारा रहेगा कॉमन बेडरूम और पीछे साइड में रहेगा हमारा मास्टर बेडरूम। तो आ जाइए सबसे पहले हम देख लेंगे हमारा कॉमन बेडरूम को समझ लेते हैं। कॉमन बेडरूम थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा छोटा लगा, लेकिन ये जो फ्लैट है इसको थोड़ा सा एक्सटेंशन वगैरह कर लोगे तो काफ़ी अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जाता है, और कॉमन बेडरूम को अटैच आपको काफ़ी बड़ी बालकनी मिलती है। अगर इस बालकनी की साइज़ की बात करेंगे, 1, 2, 3, 4 ये 4 फीट ऐसी है, और लगभग ये 10 फीट ऐसी, मतलब काफ़ी 10 फीट के करीब करीब है, 10 फीट भी नहीं होगी लेकिन 9 फीट के आसपास आप पकड़ सकते हो। और कॉमन बेडरूम से जो बालकनी से जो हमें व्यू दिखता है वो बहुत ही प्यारा खूबसूरत व्यू आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। सामने सेक्टर 26 है, 19 है, और यहाँ से आपको रोड व्यू दिखाई देगा, और यहाँ से स्टेशन भी काफ़ी वॉकेबल डिस्टेंस पे है। बिल्डिंग काफ़ी प्राइम लोकेशन पे आपको ये मिल जाती है, 85 लाख में काफ़ी अच्छा पैकेज मिलने वाला है। इस फ्लैट का जो प्राइस है वो सच में काफ़ी अच्छा है। चलिए चलते हैं अपने मास्टर बेडरूम के अंदर। मास्टर बेडरूम जो है इसका काफ़ी बड़ा मिलता है आपको, तो उसे हम समझ लेते हैं। तो ये रहेगा आपका मास्टर बेडरूम। इसके अंदर हमें जो साइज़ मिलता है वाकई काफ़ी बड़ा है, लगभग ये 12 बाय 10 का मास्टर बेडरूम आपको यहाँ पे यूटिलाइज करने के लिए मिल जाता है। साथ में 2 फीट का सज्जा है, और यहाँ से भी काफ़ी अच्छा आपको व्यू मिल जाता है। मास्टर बेडरूम के अंदर आपको अटैच जो बाथरूम मिलता है वो भी काफ़ी बड़ा है, और स्पेशियस बाथरूम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। स्पेस जो है बाथरूम के अंदर उसे काफ़ी अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है, बाथरूम के अंदर ही आपको यहाँ पे हैंड वॉश बेसिन वगैरह सब कुछ मिल जाता है। ये प्रॉपर्टी आपको अगर विजिट करना रहेगा, मैंने यहाँ पे नंबर दिया है, वहाँ पे आप कॉल करके ये जो प्रॉपर्टी का विजिट आप कर सकते हो, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा मैं निगोशिएट करवा दूंगा। प्रॉपर्टी सेक्टर 19 उलवे के अंदर रिसेल की प्रॉपर्टी है। जिनको भी ये प्रॉपर्टी विजिट करना रहेगा तो दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, एक बार विजिट कीजिए, और प्रॉपर्टी काफ़ी सच में काफ़ी अच्छी है। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाला जो प्रॉपर्टी है वो काफ़ी बढ़िया वास्तु भी मिल जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉपर्टी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।